बहुत दिनों में मैंने बेडशीट चेंज करी है आज, और रोज़ सोच रही थी रोज़ चेंज करूँगी रोज़ चेंज करूँगी, रोज़ लेट हो जाता है, कुछ न कुछ काम रहते ही हैं, भागम भागी रहती है। तो अब जाके मैंने आज बेडशीट चेंज करी है। अभी वो अतिथि वाला रूम तो मुझे प्रिपेयर करना है, बस सुबह से ना दौड़ा दौड़ चल रही है। हाय फ्रेंड्स, काय कसा काय पराय ना, कैसे हो आप सब? तो आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और क्या चल रहा है? मेरी सुबह हो गई है, मैं रेडी हो गई हूँ। आपको बता दूँ, मेरा पार्लर है और मैं वहाँ जा रही हूँ रेडी होके, घर से रोज जाती हूँ। तो अगर ना देखा हो मेरे वीडियोस तो मेरे वीडियोस देखिए, तकरीबन 800 वीडियोस, 800 से ऊपर भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी रिलायंस की शॉपिंग। कल मैंने रिलायंस की शॉपिंग की थी तो वो दिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया है। मुझे सेंसोडाइन लेना था, वो रह गया है, और भी कोई चीज़, हाँ ऑयल ऑयल लेना रह गया है। तो ये दो तीन चीज़ें ना मेरी रह गई है, तो मैं फिर से एक दिन जाऊंगी। पर कल मैंने थोड़ा बहुत सामान लाया, वो आपको दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा ही लाया क्योंकि मैं ना बाहर से रेडीमेड खाना लेती हूँ ऑलवेज, तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, पर फिर भी मैंने थोड़ा ले लिया। मतलब कभी कभार नहीं मिला कुछ बाहर से तो घर पे आके बनाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत लेके आई हूँ। और मुझे ना सब्जी लेने में और ऐसा रिलायंस से ग्रॉसरी लेने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ खरीदती रहती हूँ। तो चलिए गाइस, आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं, आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं भागती हूँ पार्लर पे। ऑलरेडी आई एम टू मच लेट। तो मैंने ये सोसाइटी का चाय पत्ती लिया है, ये पापड़ लिया है, और ये बेसन लिया है, जो बेसन मुझे ऑलवेज लगता रहता है। बेसन तो मेरा बहुत फेवरेट है, बेसन का मैं कुछ भी बनाती रहती हूँ, सबसे ज़्यादा तो बटाटा वड़ा। और ये मैंने मसूर दाल ली है, मसूर दाल की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, फटाफट बना लिया, नींबू डाल के खा लो चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। अरे निकल, एक हाथ में मोबाइल। सच में ना गाइस, वीडियो शूट करना बोला तो बहुत, मतलब हम यूट्यूबर को बहुत मतलब टेंशन का काम होता है। कोई शूट करने वाला हो ना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये मैंने लिया है बाजरी का आटा, और ये रस लिए, रस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो दो रस के एक अंदर ही है, रहने दो, एक पार्लर पे लेके जाऊंगी एक घर पे। तो इतना कुछ मैंने थोड़ा बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग किया है बस, और मुझे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी तो मैंने लिया नहीं। बिना फैन के ना वीडियो शूट करना बोला तो देखिए कैसा पसीना हो जाता है, और नहा के निकलो भागम भागी करके। तो 10 बज गए हैं, एक्चुअल में मुझे 9 बजे पार्लर पे पहुंचना है, लेकिन मैं 10 बजा ही देती हूँ रोज। और चलिए अब चलती हूँ पार्लर में, और आपको भी सबको लेके चलती हूँ पार्लर में। बच्चे चले गए, खाना वाना खा लिया, और देखिए पसारा, मैं पार्लर में पसारा बहुत कर लेती हूँ। क्लाइंट थे पेडिक्योर का और हेयर स्ट्रेटनिंग का, तो वो करी, और रात का खाना लेके आई थी। और रोज़ रोज़ बच्चे लोग से क्या मिलाऊँ ना, बच्चे लोग को 8 दिन में एक बार मिलाऊँगी आपसे। और बस अब ये सारा पसारा हटाती हूँ, मेरा ना बहुत मतलब मैस बहुत हो जाता है पार्लर में, एक काम करती हूँ ना तो पूरा फैला के रख देती हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है। आज मैं ना फेस पे ये पिगमेंटेशन का क्रीम लगाना भूल गई, 2-3 दिन से भूल रही हूँ, रोज मतलब रोज लगाना चाहिए, मैं भूल ही जा रही हूँ। पिंपल्स ट्रीटमेंट एक जन का चल रहा है तो वो आई थी 8 दिन के बाद, आज उसका दूसरा सिटिंग था। तो पर वो धूप में आती है तो कैसे क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसके बाद उसका वीडियो क्लिपिंग लिया है, वो लगा देती हूँ आपको, तो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट सिटिंग थी उस दिन, मैंने उसका वीडियो लिया था पहले, मतलब सिटिंग करने से पहले और सिटिंग करने के बाद कैसा हुआ है। रिजल्ट तो अच्छा आया है, 8 दिन के बाद वो आई थी तो आज तो अच्छा लग रहा था, मुझे अपनी नेल पेंट निकालनी है, और फेस थोड़ा अच्छा लग रहा था 8 दिन के बाद आई थी। आज आज उसकी सेकंड सिटिंग हुई है, तो दो दो वीडियो क्लिप है मेरे पास, तो वो मैं लगा दूंगी इस वीडियो में, देख लीजिएगा आप जरा।
आप बोलोगे पार्लर में क्या कर रही है, पार्लर में सोफा है उस पे मैं सो गई हूँ इस तरह से, और थक गई हूँ, तूफान थक गई हूँ तो थोड़ी देर दोपहर के टाइम पे रेस्ट करती हूँ। दरवाजे को कड़ी नहीं लगाया है, आगे का फ्रंट डोर को मैंने उधर स्टूल रख दिया है ताकि कोई आए, प्लास्टिक का स्टूल है तो कोई आए तो आवाज़ आ जाता है, तो मैं फट से बाहर चली जाती हूँ देखने के लिए कि कौन आया एंट्रेंस में। तो यही सब चल रहा है, और अब मुझे लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ क्या थक कितना जाती हूँ, हर बात में मैं थक जाती हूँ, पर मेरे ओवर लिमिट मैं काम करती हूँ। और मुझे प्लांट्स उगाने हैं, अगर मैं रोज़ डीले करूँगी, अगर लाऊँगी नहीं खाद वगैरह तो उगने में भी टाइम जाएगा, तो उगा देती हूँ। बैंगन के झाड़ लेके आती हूँ, बहुत सारे झाड़ तो नहीं, बीज लेके आती हूँ और उगा देती हूँ तो हो जाएंगे अच्छे से। और बस अभी थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम चल रहा है, आराम कर लेते हैं दोपहर के टाइम पे, और फिर पियेंगे हम चाय, दोनों मिलके, हम सब मिलके चाय पियेंगे। तो गाइस देखा आपने, बच्चे ना मेरे साथ बड़े खुश रहते हैं, बच्चे लोग को मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी बच्चे लोग के साथ बहुत खुश रहती हूँ। बहुत अच्छे से बाल कटवाई, छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, पर इतना नाइसली उसने बाल कटवाए ना कि ना पूछो बात। और बस मैंने जो लास्ट दोपहर का वीडियो शूट करा था उसके बाद मैं आराम कर रही थी, उसके बाद मेरी फ्रेंड आई, निकिता आई, और हम लोग ने थोड़ी बहुत गपशप की। उसके बाद मैंने चाय बनाया, तो चाय मैंने कब से बनाया था, 4 बजे, तो 4 बजे बनाई चाय। जैसे बनाई उतने में क्लाइंट आ गई, तो फिर क्लाइंट का करने लगी, फिर वापस से मेरी फ्रेंड लोग आ गई तो उनसे बात करने लगी, और उसके बाद ना मैं फिर से चाय गरम करी तो फिर से एक क्लाइंट आई, फिर से वो चाय ऐसी की ऐसी पड़ी रही। और उसके बाद थर्ड टाइम मैंने फिर से एक बार चाय गरम करी ना, तो उस टाइम ये बच्ची आ गई, तो फिर उसके बाद मैंने अभी चाय पी। और बच्चों के बाल काटे ना तो मुझे ऐसे ऑटोमेटिक एनर्जी आ गई, तो ज़रूरत नहीं थी चाय की, पर फिर भी चाय बनी हुई थी तो फिर मैंने चाय पी, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। और उस बीच में अभी अतिथि का फ़ोन आया था, और अतिथि आ गई है घर पे, बात नहीं हुई, अब जाएगी नहाने में और उसके बाद फ़ोन करेगी देखते हैं। तो सुबह से रात में तरस जाती हूँ बात करने के लिए, बहुत लेट हो जाता है, और बस यही आज का दिन तो यही ऐसे ही चला पूरा, और मज़ा आया आज के दिन में, ऐसे रोज़ ही मज़ा आता है पार्लर पे, पर कभी कभी बहुत लोनली फील होता है। और आज ना मैंने हस्बैंड के साथ पूरी अपने मन की भड़ास, उनका फ़ोन आया दोपहर को तो सारा मन में जो मेरा उफान मचल रहा था ना वो सारा मैंने बक दिया उनको, और बताया उनको सब कुछ कि मेरे मुझे कैसे फील होता है, मैं कैसे मतलब सफ़र कर रही हूँ, क्या क्या फेस कर रही हूँ, क्या क्या मुझे मन घबराता रहता है, वो सारी बातें मैंने उनके साथ शेयर करी। तो अब जरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो बस गाइस आज का दिन तो ऐसे ही बीता, शाम हो गई है तो अब घर पे जाने का टाइम हो चुका है, पर फिर भी अभी 9 बजे तक तो वेट करनी है, उसके बाद घर पे जाएंगे। तो मिलती हूँ फिर आपसे फिर से इसी तरह से, और मेरा व्लॉग कल वाला देखा कि नहीं, ना देखा हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा। आज मैंने बच्चे लोग का स्कूल का कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि क्या दिखाऊँ, रोज रोज वो ही वो, कल तो नया बच्चू आया था तो उन लोग की मस्ती थोड़ी दिखा दी, और कोई नया बच्चू आएगा तो फिर से वापस आपको दिखा दूंगी। तो यही है मेरी एक ब्यूटिशियन की, एक मेकअप आर्टिस्ट की यही भागती दौड़ती जिंदगी है, और पार्लर से घर, घर से पार्लर, तो यही सब चलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, नहीं तो व्लॉग ना बहुत बड़े हो जाते हैं मेरे। यहाँ ना इतनी गर्मी हो रही है ना, पूरा फेस की ना वाट लग जाती है एकदम से, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है मुंबई में। तो यहाँ मार्केट और सेल लगा हुआ है तो देख लेती हूँ मैं थोड़ी देर रुक के, और आ गई हूँ मैं यहाँ पे, देखती हूँ कुछ नया मिले तो ले लेती हूँ थोड़ा बहुत।
और वहां पे लगी है मंगलवार की बाजार। कोई भी सामान 30 रुपए में। यहाँ से मैंने लास्ट टाइम ना बहुत सारे टब लिए थे जिसमें मैं झाड़ उगाई थी। यहाँ पे पूरा मार्केट भरा हुआ है और रौनक लगी है। मैं यहाँ जाऊँगी डायरेक्ट फैक्ट्री सेल गारमेंट का क्या है वो देखती हूँ, डायरेक्ट उसमें क्या है। बहुत दिनों से मेरा दिल था कि मैं जाती हूँ यहाँ पे और देखती हूँ कि क्या है इसमें। तो चलिए, तो गाइस वहाँ पे पूरा बाजार भरा हुआ है। और ये पूरा ना इतना अच्छा लगता है ना, यहाँ पे घूमते रहो और कोई चाहिए साथ में। आपको प्लास्टिक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें मिल जाती है, पर आज मैं जाऊंगी उसमें। एंटर होते हैं, चलिए देखते हैं लेडीज आइटम कहाँ पे है। लेडीज आइटम देखते हैं। वाओ, बच्चे लोग के तो बहुत अच्छे छोटे छोटे कपड़े आए हैं। मैं मेरे काम का कुछ देख लेती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। पूरा सेल लगा है 200 का, 100 का, 250 का। बाप रे, इसमें से चुनना बोला था, मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ पे चुनना मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पे देखिए 750 वाले में जाते हैं। जीन्स वीन्स 750 का लगाया है। आ तो गई हूँ लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो गाइस, मैं तो एक भी हाथ लगा के उठा के देख नहीं पाई। हमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, हमसे ना हो पाएगा। मेरा काम का नहीं है ये सब सेल वेल में घूमना। आ गई थी मैं तो थोड़ी देर के लिए, अब निकल रही हूँ यहाँ से। मैंने एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। डरती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कितने लोगों ने हाथ लगाया होगा, इसलिए डर भी लगता है। तो निकल चुकी हूँ मैं यहाँ से। एक्चुअली में ना मुझे मार्केट भी जाना है। देखती हूँ, गाड़ी देख के आती हूँ पहले। ओके, तो मेरी गाड़ी तो सेफ है, पर मुझे फिर खाना नहीं मिलेगा अगर मैं मार्केट में घूमी तो। पर थोड़ा सा घूम लेती हूँ, फिर से जा रही हूँ मार्केट की साइड और थोड़ा सा घूम लेती हूँ। मैं घर पे आ गई हूँ और मेरा खाना रेडी है। इसे गरम कर लिया जाएगा अभी। ये है चिकन बिरयानी और साथ में रायता भी है, और मैं बनाना भी लेके आई हूँ, बनाना भी खाऊंगी। तो यही थे आज का व्लॉग और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए पहले बिरयानी को गरम कर लेते हैं। शेयर करती हूँ, इसकी बिरयानी बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी रहती है। तो गाइस, मेरी प्लेट तो लग गई है, आ जाइए आप लोग भी खाने को। और अगर मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। आज तो मुझे लगा कि मुझे आज खाना नहीं मिलेगा। बाजार में मैं घूम रही थी और गया, आज मैं बोली घर जाके कुछ तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आते आते तो शॉप्स भी सब बंद हो जाती है अगर मैं लेट करूँ तो। पर लकीली आज मुझे सब कुछ खुला मिल गया। आज मुझे बिरयानी भी मिल गई और फ्रूट्स भी मिल गए। तो फ्रूट्स में मैं बनाना लेके आई हूँ, वो भी खाऊंगी, क्योंकि रात को मुझे ऐसा क्रेविंग होता है थोड़ा बहुत अच्छा खाने का। तो चलिए गाइस, गुड नाइट।